Hello friends welcome to the Chitra Science Hub today we will discuss about major histocompatibility complex part 2 that is structure of MHC molecules इन द प्रीवियस वीडियो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एम एच सी क्या होता है एम एच सी क्या है इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स हुज़ प्रोडक्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटर सेलुलर रिकोगशन एंड इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पिछली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन्स में एम एच सी को एच एल ए कॉम्प्लेक्स कहते हैं और माउस में जो है एच टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं और फिर हमने जीन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया था एम एच सी कॉम्प्लेक्स में इन हुमेंस एंड एम एच सी कॉम्प्लैक्स इन म्यूरिन आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम एच सी मोलिक्यूल्स हुमेंस के अंदर तीन तरह के एम एच सी मोलिक्यूल्स होते हैं क्लास वन एम एच सी मोलिक्यूल क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड एम एच सी मॉलीक्यूल अब देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लास वन एम एच सी मॉलीक्यूल पहले क्लास वन एच क्लास वन एम एच सी मोलिक्यूल क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीनस हैं जो हर न्यूक्टिड सेल की सरफेस पर प्रजेंट होते हैं क्लास वन एम एच सी दो चेन से मिलके बनते हैं एक बड़ी चेन जिसे अल्फ़ा चेन कहते हैं और एक छोटी चेन जिसे बीटा टू माइक्रोग्लोबलिन कहते हैं शॉर्ट में एम बीटा टू एम लिखते हैं हम इसे अब जो आपकी अल्फा चेन है ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है मेम्ब्रेन का मतलब जो आपकी मेम्ब्रेन को पूरी को पार करे ये फोर्टी फाइव किलो डाल्टन का है ये एन कोड होता है बाय द जीन्स विद इन द ए बी एंड सी रीजन ऑफ एच एल ए कॉम्प्लेक्स विच इज प्रजेंट ऑन क्रोमोजोम सिक्स पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमेंस के अंदर एम एच सी कॉम्प्लेक्स क्या है क्रोमोजोम सिक्स की छोटी आर्म पर प्रेजेंट होता है अब नीचे डायग्राम में देखिए स्मॉल आर्म है शॉर्ट आर्म है इस शॉर्ट आर्म पे आपका यहाँ पर एम एच सी कॉम्प्लेक्स है एम एच सी कॉम्प्लेक्स को तीन रीजन में हमने डिवाइड करके पढ़ा था क्लास वन क्लास थर्ड और क्लास सेकेंड अब जो आपकी क्लास वन मॉलिक्यूल है ये तीन रीजन से एनकोड होता है ए बी सी जिन्हें हम डेजिग्नेट देते हैं एच एल एच एल ए और एच एल ए सी अभी जो दूसरी चेन है बीटा टू माइक्रोग्लोब्लिन ये एन कोड होती है बी टू एम जीन पर और ये जीन जो है इस क्रोमोज़ोम सिक्स पर सिचुएटेड नहीं होती ये क्रोमोज़ोम फिफ्टीन पर सिचुएटेड होती है अब ये जो आपकी ए बी और सी रीजन है ये मिलके एनकोड एन कोड क्या करते हैं अल्फा अल्फा चेन और बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन चेन जो है वो आपकी एन कोड होती है बी टू एम जीन से जो क्रोमोज़ोम फिफ्टीन पर प्रजेंट होती है अब जो आपकी ये अल्फा चेन है ये तीन डोमेन्स में ऑर्गेनाइज है तीन एक्सटर्नल डोमेन है एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और एक साइटोप्लाज्मिक टेल है अब राइट एंड साइड डायग्राम में देखिए ये है आपकी पूरी चेन ये आपकी पूरी है अल्फा चेन ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपकी अल्फा चेन है अल्फा चेन के अंदर ये जो आपके अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री ये तीनों हैं एक्सटर्नल डोमेन्स अब ये जो बीच में हमने बना रखा है गोल गोल से रिंग ये है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो इसे मेम्ब्रेन में एंकर करके रखेगा और ये अंदर की तरफ जो है ये है आपकी साइटोप्लाज्मिक टेल अब ये जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है ये सारा हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है जिससे कि ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो सके अब जो आपकी क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल है इसका काम क्या है एंटीजिनिक पेप्टाइड प्रेजेंट करना टू द टी सी सेल एम एच सी क्लास वन मॉलिक्यूल का फंक्शन यही है अब ये जो एल्फ़ा वन और एल्फ़ा टू दो एक्सटर्नल डोमेन है ये मिल के जो है एक ग्रूव बनाते हैं इस ग्रूव को हम कहते हैं पैप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इस पैप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में ही एंटीजेनिक पैप्टाइड बाइंड होती है और यहाँ पर पैप्टाइड जो बाइंड होती है उसकी लेंथ होती है एट टू टू टेन एमिनो एसिड्स अब ये जो आपका अल्फा वन और अल्फा टू डोमेन है क्योंकि ये एंटीजन से बाइंड करता है यहाँ देखिए डायग्राम में ये है आपकी टी सेल सरफेस टी सेल सरफेस पर ये हमने ब्लू कलर में टी सेल रिसेप्टर दिखाए हैं और ये है को रिसेप्टर सी डी एट ये हमने दिखाया है आपका क्लास वन एम एच सी मोलिक्यूल ये है आपकी अल्फ़ा चेन और ये है बीटा टू माइक्रोग्लोबलिन ये इसकी पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है जो आपके एंटीजेनिक पेप्टाइड को बाइंड करती है और प्रेजेंट करेगी टू द टी सी सेल अब जो आपकी ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू डोमेन है क्योंकि ये एंटीजन से बाइंड करते हैं और एंटीजन आपका हर बार वेरी होगा चेंज होगा तो इनकी सिक्वेंस जो है वो चेंज होती है तो ये रीजन कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक रीजन ये जो ऊपर का रीजन है ये है आपका क्लास वन एम में पॉलीमॉर्फिक रीजन जो चेंज होता रहेगा जो नीचे का रीजन है ये कन्जर्व रीजन है कन्जर्व रीजन का मतलब एम एच सी के अंदर ये चेंज नहीं होगा अब जो टी सेल रिसेप्टर का को रिसेप्टर है सी डी एट ये एल्फा थ्री डोमेन से इंट्रैक्ट करता है अब देखते हैं क्लास सेकेंड एमएचसी मोलीक्यूल क्लास सेकेंड एमएससी मोलीक्यूल क्या है ये वो ग्राइकोप्रोटीन्स हैं जो एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रजेंटिंग सेल अब एंटीजन प्रजेंटिंग सेल कौन सी जैसे कि आपकी डेंड्राइटिक सेल है ये मॉलिक्यूल भी आपके बने हुए होते हैं दो चेन्स के एक है आपकी अल्फा चेन और एक है आपकी बीटा चेन अब हर चेन के अंदर जो है वो दो एक्सटर्नल डोमेन सॉरी हाँ दो एक्सटर्नल डोमेन एक ट्रांसमेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्मिक होगा अब ये जो दोनों चेन है अल्फा चेन और बीटा चेन ये एनकोड किससे होंगी डी पी डी क्यू और डी आर रीजन ऑफ एच एल ए कॉम्प्लेक्स जो कहाँ प्रेजेंट है क्रोमोजोम सिक्स पे जो हमने अभी पीछे देखा है पीछे हमने देखा था क्लास वन एम एच सी किस किस जीन से एनकोड होते हैं अब यहाँ देखिए क्लास सेकेंड एम एच सी मोलिक्यूल में तीन रीजन है डी आर डी क्यू और डी पी और इनसे क्या एनकोड होगी एल्फ़ा चेन और आपकी बीटा चेन ये देखिए डायग्राम में ये आपका डी क्यू इसमें दो रीजन है ए और बी और बी से आपकी बनी आपकी बीटा चेन और इससे बनी आपकी एल्फ़ा चेन अब ई चेन ई चेन का मतलब अल्फ़ा चेन के अंदर भी और बीटा चेन के अंदर भी दो एक्सटर्नल डोमेन होंगे यहाँ देखिए राइट हैंड साइड आइगर में ये अल्फा वन और अल्फा टू है अल्फा चेन में बीटा वन और बीटा टू है बीटा आपकी बीटा चेन में तो दो तो होगा ये एक्सटर्नल डोमेन एक हो गया ये ट्रांसमेंब्रेन डोमेन जिसे मैंगब्रेन में एंकर करेगा और एक हो गई साइटोप्लाज्मिक टेल तो दोनों चेन के अंदर दो एक्सटर्नल डोमेन हो गए एक ट्रांसमैम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्मिक टेल अब इसका फंक्शन क्या है क्लास सेकिन एम एस सी का एंटीजेनिक एक पैप्टाइड करना टू द टी हेल्पर सेल तो एल्फ़ा वन और बीटा वन मिल के बनाते हैं पैप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट और ये एंटीजन प्रेजेंट करती है किसे टू द टी हेल्पर सेल इसके ग्रूव में जो पैप्टाइड फिट होती है वो तेरह से लेकर अट्ठारह अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है और ये जो इसका ग्रूव है ये ओपन है दोनों एंड से इधर से भी और आपका इधर से भी अब जो है आपका ये जो क्लास सेकेंड एम एस सी मॉलिक्यूल है ये एंटीजन किसे प्रेजेंट करती है टी हेल्पर सेल को टी हेल्पर सेल की सरफेस पर ये तो हमने दिखाया टी सेल रिसेप्टर और ये है इसका को रिसेप्टर सी डी फोर अब जो आपके आपके अल्फा वन और बीटा वन जो डोमेन है जो एंटीजन से बाइंड करेंगे ये होता है पॉलीमॉर्फिक रीजन और इसके पीछे का बीटा वन और बीटा टू और अल्फा टू जो रीजन है ये हाईली कंजर्व होता है अब ये जो आपका हाईली कंजर्व रीजन है जो नॉन पॉलीमॉर्फिक रीजन है ये इंट्रैक्ट करता है विद सी और सी क्या है ये को रिसेप्टर है ऑफ द टी हेल्पर सेल तो टी हेल्पर सेल के को रिसेप्टर से बाइंड करेगा आपका नॉन पॉलीमॉर्फिक रीजन और पॉलीमॉर्फिक रीजन जो है वो इंट्रैक्ट करेगा विद द एंटीजेनिक पेप्टाइड दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लास वन एंड क्लास सेकिन एम एच सी मोलिक्यूल्स थैंक यू